हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। टीआईएफआर की तरफ से ली जाने वाली वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन के लिए जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस विषय में हम मास्टर्स कर सकते हैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। इसका कोर्स NCBS बंगलुरु में अवेलेबल है। ये एग्ज़ाम होती है एक साल छोड़ के, तो दिसंबर 2021 में ये एग्ज़ाम हुई थी जिसका रिज़ल्ट जनवरी 2022 में निकल के आता है, इसलिए उसको पेपर 2022 कहते हैं। अब आने वाले दिसंबर में ये एग्ज़ाम होगी अपने दिसंबर 2023 में, और रिज़ल्ट आएगा ऑफ कोर्स 2024 के जनवरी में। चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई एग्ज़ाम की, तो प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करते वक्त हम क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पेपर 2022 से लिया हुआ। द केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट 3 tons टू सबमर्ज अ लार्ज पार्ट ऑफ विच टाइगर रिजर्व। बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन में ये एग्ज़ाम है, तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम में। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ख़ास करके भारत में जो बायोडाइवर्सिटी को हार्म करते हैं, और इसी से रिलेटेड इसमें आपको एक एसे भी लिखना होता है। तो देखो, आज का ये जो क्वेश्चन है वो हमें पूछ रहा है कि केन बेटवा, ये दो रिवर्स है, इनके लिंकिंग प्रोजेक्ट में कौन से टाइगर रिजर्व को हानि पहुंच रही है। ऑप्शंस में है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व या सातपुरा टाइगर रिजर्व। भारत में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू है कि हम नदियों का पानी एक दूसरे के साथ लिंक करें, तो जहाँ भी ड्रॉट कंडीशन आती है वहाँ पर हम पानी पहुँचा सके, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, पूर स्थिति आती है, वहाँ पर वो ना आए। तो उसी प्रोजेक्ट के अंडर देखो ये केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है। केन रिवर जो है वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आती है मध्य प्रदेश के, और बेटवा रिवर जो है वो यूपी से है। ये दोनों भी ट्रिब्यूटरीज है यमुना नदी की। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा प्रपोजल है कि देर इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ वन डैम, दाउदन डैम, एंड देर वुड बी अ कैनाल दैट वुड बी अराउंड 221 kilometers लॉन्ग। तो ऐसे करके ये दो रिवर्स लिंक की जा सकती है। इसके एडवांटेजेस ये होंगे कि इरिगेशन हो जाएगा और हाइड्रो पावर प्लांट भी जनरेट किया जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम आ सकता है। इसके अलावा इसे बड़ा फ़ायदा होगा बुंदेलखंड एरिया को, जहाँ पर ड्रॉट कंडीशन है, तो वहाँ पर पानी की कमी नहीं होगी। तो दिस इज़ व्हाट एडवांटेजेस। मगर ये जो प्रोजेक्ट है, जो जहाँ पर काम कराया जाएगा, वो बहुत सारा एरिया आता है पन्ना टाइगर रिजर्व में, विच इज़ इन MP, और ये बहुत बड़े तौर पे हैबिटेट लॉस करा देगा वल्चर्स के लिए, जैकल्स के लिए, जो हैबिटेट है उनको ख़राब कर देगा। ये एरिया देखो काफ़ी बड़ा है, 8,650 hectares का एरिया है फॉरेस्ट का, वो जो इसमें चला जाएगा। इसमें बहुत बड़ा एरिया आता है पन्ना नेशनल पार्क का, और इसके अलावा ये टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको भी ये प्रॉब्लम करा देगा। तो इस वजह से एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो इस प्रोजेक्ट को विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व, जो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है MP के। दूसरे ऑप्शंस में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो उमारिया डिस्ट्रिक्ट में आता है MP के ही।
रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो ऑप्शन है वो करौली एंड सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है राजस्थान के। और चौथा ऑप्शन सातपुरा टाइगर रिजर्व जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है एमपी के। इस एग्ज़ाम में ऐसे के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें ऐसे ही पॉइंट्स दिए जाते हैं, इसी तरह के वो टॉपिक होते हैं कि ये लिंकिंग प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है तो इसमें ये पन्ना टाइगर रिजर्व को अफेक्ट कर रहा है, तो ये प्रोजेक्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। और अगर आप कहते हो कराना चाहिए तो उसके लिए आपको रीज़न देने चाहिए, और नहीं बोल रहे हो तो उसके लिए भी आपको रीज़न देने हैं। तो ये ऐसे करीब 750 वर्ड्स तक अपने को लिखना होता है। इस वजह से हमें ये जो करंट अफेयर्स है, जो भी भारत में ये प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी आपको इसके बारे में जानकारी देती रहूँगी, और आप खुद से भी इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करिए। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ मैंने मेरा जीमेल एड्रेस शेयर किया हुआ है, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर जीमेल कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।